जो मैंने मस्कारा लगाया है दैट्स अ वाटरप्रूफ मस्कारा एंड ऑफ कोर्स जो मुझे नहीं लगाना चाहिए था ड्यूरिंग विंटर्स बट मैंने लगाया हुआ है सो टुडे आई एम हियर विद अनदर ब्यूटीफुल टॉपिक और यू कैन सी अ ट्यूटोरियल ऑफ हाउ टू रिमूव द वाटरप्रूफ मेकअप एंड आल्सो द क्रीमी मेकअप्स एंड आल्सो बाय कीपिंग दैट वन थिंग इन माइंड दैट विंटर्स आर गोइंग ऑन क्योंकि सर्दियां चल रही हैं और हमने ये तो सीख लिया कि हमें स्किन केयर कैसे करना चाहिए हमने टिप्स भी जान लिए प्लस हमने ये भी सीखा पिछले वीडियो में

पोस्ट मेकअप रिमूवल रूटीन स्किन केयर का क्या होना चाहिए सो वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड मेरे पे इस वक्त लगा हुआ है बढ़िया सा बेस्ड मेकअप विच इज अ वेरी न्यूड मेकअप ज्यादा गॉडी नहीं है ज्यादा ग्लैम मेकअप नहीं है सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट मच सो लेट्स नॉट टॉक मच अबाउट दिस मेकअप Ah, मेरी आदत ही है यू नो मैं कहीं से डिविएट हो जाती हूँ कभी कभी तो टॉपिक टू द ऑल स्किन केयर वी शुड फॉलो एंड हाउ शुड वी रिमूव योर मेकअप ड्यूरिंग द विंटर्स टाइम ऑफ द स्किन है दैट इज़ एन ऑयली स्किन सो मैं ऑयली स्किन के हिसाब से आपको बताने वाली हूँ एंड ऑल्सो दिस ट्यूटोरियल इज़ नॉट जस्ट ओनली फॉर द ऑयली स्किन टाइप दिस इज फॉर अर स्किन टाइप सो आपका स्किन जो भी टाइप का हो आप इस मेथड्स को जरूर से फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन सी द वेरी गुड एफिशियंट एंड इफेक्टिव वे आर ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस वीडियो वेरी फर्स्ट थिंग पहले तो अपना लेट मी जस्ट पुट दिस बैंड सो दैट मेरे चेहरे पे कोई यू नो हेयर्स ना आए स्पेशली व्हेन आई एम रिमूविंग अवेलेबल इन दार्केट यून सर्टनली गो विद डेट दिस वन आई हैव दॉम कल द गो ये छोटा सा हैंडीट्रेवल पैक है uh, जो मुझे एक प्रोडक्ट के साथ फ्री में आया था सो आई विन यूजिंग दिस सिंस अ फ्यू डेज बिकॉज ये ऑलरेडी

तो आप इमीडिएटली इस चीज़ को करना छोड़ दो क्योंकि आप इससे सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे को नुकसान और ज़्यादा पहुंचा रहे हो स्पेशली अगर आपका एक्ने प्रोन और ऑयली uh, स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है ड्राई स्किन है या कोई भी स्किन है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है तो स्टॉप डूइंग दैट इमीजिएट तो वॉट यू शुड डू इन अगर फिर भी आपको टीशू यूज़ करना है गाइज तो यू कैन गो विद समथिंग लाइक दिस तो ये बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स में आता है जिसमें लिखा होता है स्पेशली कि दैट इज़ अ मेकअप रिमूवर वेथ टिश्यू

quickly start up with my eyes part first. तो so, eyes में हालांकि मैंने वैसे काफ़ी you know light makeup किया है कुछ ज़्यादा makeup किया नहीं खाली conceal किया था अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा makeup है कैसा किया तो जल्दी से मेरे previous video को जाके watch out करो right now, okay? क्योंकि उसमें मैंने दिखाया कि ये makeup मैंने कैसे किया नहीं लाइकिंग दिस मेकअप ऑल्स अ गाइज और जल्दी से जाके उसे वॉच करो एंड ऑल्सो डो नॉट फर्गेट टू लाइक दैट वीडियो इज वेल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको ऐसे वीडियोस और भी ज्यादा देखने को मिले ये दिख रहा है तो यही मैंने अपने आंखों में लगाया था दी मस्कारा तो मस्कारा चैनल तो ये मस्कारा चैनल में है तो ऑब्वियसली हम पहले मस्कारा ही निकालेंगे यार मस्कारा अपनी लाइफ से मत निकालना बस अपनी आंखों से निकालना से भी मैं मस्कारा रिमूव कर रही हूँ विच इज वेरी असेंशियल मेकअप निकालने के लिए आपको ऑयल इनफ्यूज मिसेला वाटर यूज करना चाहिए क्योंकि वो ही आपके मेकअप वाटर प्रूफ मेकअप को अच्छे से रिमूव करता है यू कैन सी रियल स्किन ब्राउज़ को ना भूलें ब्राउज में मैंने थोड़ा सा हल्का सा ब्राउ फिल किया था सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दैट एज वेल नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोग अक्सर मिस आउट करते अगर तो आप कहीं जा रहे हैं बाहर और आपने कोई मेकअप नहीं किया है बट लिपस्टिक जरूर लगाए तो बहुत लोगों की आदत होती है कि घर आके उसे भी रिमूव नहीं करते हैं गाइज तो ये आदत जो है गलत आदत है इसे आपको इमीजिएटली करना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उससे क्या होता है ना लिपस्टिक के रेसिड्यू के वजह से उसमें केमिकल्स होते हैं और उसी से बनते हैं वो सारी चीजें तो वो क्या होता है ना थोड़े टाइम के बाद ना आपके लिप्स को और डिहाइड्रेट uh, करती है एंड uh, जिसकी वजह से आपके मॉइस्ट जो है वो गायब होने लगता है लिप्स से एंड देन योर लिप्स स्टार्ट्स बिकमिंग चैप्ड ड्राइड एंड कंडीशन में तो वो ब्लीड भी होना शुरू हो जाता है इज़ अगेन वेरी वेरी तो विच शूडन विद केयर गुड 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 केयर ऑफ योर स्किन एंड बाय द वे मेरी स्किन पहले ऐसी नहीं थी यार ये जो इस लेवल पर आई है ना बहुत अच्छा बहुत मेहनत के बाद आई है <laughs> <ना>, हो रहा था कि आपको भी पता चले और ये स्पेशली वीडियो इसलिए लेके भी आई विंटर्स के टाइम में लोगों को पता नहीं है ज्यादातर लोगों को कि क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स किस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए अगर आप मेकअप भी करते हो रिमूव भी करते हो तो आपको ध्यान कुछ चीजों का देना चाहिए इज़ बिटवीन समर्स एंड विंटर्स सो चाहिएसली जो भी आप करते हो उसमें भी आपके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना समर्स और विंटर्स में तो इसीलिए वही डिफरेंस आपको मेकअप करते हुए स्किन केयर करते हुए भी ध्यान देना है ड्यूरिंग द विंटर्स

और चेहरे पे कुछ नहीं बचा है एवरीथिंग इज नाउ वेरी वेल रिमूव आपको लगता है आपके स्किन से जो भी हमने मेकअप लगाया था वो सारा इजीली निकल गया लग तो रहा है ना कि निकल गया बट नो गाइज यहीं तक नहीं रहना है यू हैव टू फॉलो द वेरी सेकेंड स्टेप विच इज द डबल क्लिनिंग मेथड कोई भी सीजन हो डबल क्लिनिंग मेथड आपका हमेशा फॉलो करना है क्योंकि वही है आपके त्वचा को क्लॉक फ्री रखने का राज 1 <laughs> राजे विच इज़ दैट ऑलवेज डू डबल क्लीजिंग मेथड फॉर योर स्किन फॉर योर व्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्किन ताकि वो आपका स्किन हमेशा क्लॉग फ्री रहे क्लॉग ना हो किसी भी रेसिड्यू से अगर गलती से भी कुछ बच गया है ना तो वो भी निकल जाएगा डबल क्लीनजिंग में नाउ विट टिप नंबर टू द क्वेश्चन अगेन अराइजेस कि भाई क्लीन तो करना है डबल क्लींस तो करना है बट क्या करें कैसे करें तो डबल क्लीज कैसे करना है क्या आप उससे इसी टिश्यू को यूज़ करना है नो 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 तो क्या करना है अगेन आपका कोई अच्छा सा क्लेंजर यूज करना है नो किस टाइप का क्लेंजर फोम बेस्ड या फिर क्रीम बेस्ड क्लेंजर्स और फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो एज कंप्लीटली नॉर्मल बट फेस वॉश में ध्यान एक ही चीज़ का दें क्योंकि विंटर्स हैं ये तो आपको जेल बेस्ड फेस क्लेंजर्स को अवॉइड करना है यूज इ दोम बेस्ड और द क्रीम बेस्ड वंस एज पर योर स्किन टाइप दिस इज अ माइल्ड क्रीमी फेस क्लेंजर एंड विच इज़ फॉर ओल्ड स्किन टाइप वो फ्री है ये बहुत अच्छा है एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड डरमा को विच इज रियली अमेजिंग मैं इसे every day use neogarthy but whenever i do some makeup only then i use this particular product so here i'm going to take good amount of this i am going to just rub it and massage it onto my face का कोई भी हिस्सा ना छोड़ें इनर कॉर्नर्स को क्लीन करें आईज के ऊपर क्लीन पार्ट आपके, को Then, आपके के को ना भूलें को भी इस पर्टिकुलर पार्ट को द कॉर्नर ऑफ योर लिप दर आईज को ना भूलें थोड़ी देर के बाद ऐसा लगेगा कि अब धीरे धीरे जो प्रोडक्ट आपने यूज किया था वो गायब हो गया है एज यू कैन सी राइट टाइम टू गो टू दॉशरूम एंड जल्दी से अपने फेस को पानी से जल्दी से धोके आए तो मैं भी अब जाती हूँ और जल्दी से अपने चेहरे को पानी से धो के आती हूँ so,

प्लस जैसे कि मैंने आपको क्लेंजर बताया दिस क्लेंजर इज़ नॉट द वन विच आई यूज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस यानी मैं ये एवरीडे स्किन केयर में यूज़ नहीं करती हूँ सो so, आपको यही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है सो so, उससे ध्यान में रखने के लिए मिस आउट ना करने के लिए आपको इस वीडियो को लेंट तक देखना पड़ेगा ताकि आप कुछ भी चीज़ें मिस ना करो ओके सो दिस इज डेफिनेटली नॉट द रेगुलर स्किन केयर विच आई ऑलवेज डू और विच आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू डू ये कुछ स्पेशल अटेंशन है जो अपने स्किन को भी देना पड़ता है ताकि आपके स्किन भी और पैम्पर्ड रहे और उसे कुछ भी ना मेकअप के वजह से प्रॉब्लम ना हो बहुत लोगों का सोच ऐसा है कि उनके लगता है कि मेकअप करने से ना स्किन और खराब करता है बट डैट्स जस्ट अ मिथ गाइज इफ़ यू आर टेकिंग गुड 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 एंड वेरी गुड केयर बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑफ योर मेकअप देन आपका स्किन जो है वो मेकअप से कभी खराब नहीं होगा तो यही कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान देने हैं कुछ टिप्स है कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको मैं वीडियोज़ के बीच में हमेशा बताती रहती हूँ तो उसे मिस ना करें और अपने लाइफ में ज़रूर से इंप्लीमेंट करें ताकि आपको भी का फायदा हो एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ सब चीजें ना समर्स में जरूरत नहीं है बट या yeah, ये जो डबल टोनर वाला मेथड है ना ये समर्स में भी लगता है आफ्टर योर मेकअप रिमूवल इन चीजों का ध्यान समर्स के टाइम में सिंगल टोनर इज इनफ़ यू डो नॉट यू हैव टू यूज अ डबल टोनर बट when you are doing when you are removing your makeup even during the summers you have to follow this double toner method also. साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में आप जब भी मेकअप भी करके उसे रिमूव करते हैं तो उसके बाद आपको डबल टोनिंग करना ही पड़ेगा इट इज अ टिप फॉर दिस वीडियो एंड बाई दिस हमारा टोनिंग पार्ट हो गया है डन और आप देख सकते हैं हमारे स्किन में बहुत अच्छे से धीरे धीरे एब्जॉर्ब भी हो रहा है थोड़ा सा मॉइस्चनर अभी है यहाँ पे सो वी नीड टू एक्चुअली वेट फॉर सम टाइम ताकि ये मॉइस्नर जो है वो कम्प्लीटली ड्राइड अप हो जाए एंड देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट हमारे डोनर अब पूरी तरीके से एबजॉर्ब हो गया हमारे स्किन में एंड नाउ कम्स द थर्ड स्टेप ऑफ द डेज विच इज़ यूजिंग ऑफ सेराम सो ह्यू आर आई एम यूजिंग माई अंडर आई सेरम विच इज फ्राम द ब्रांड एम कैफिन एंड आई एम यूज जस्ट सिंगल पम्प ऑफ दिस एज यू कैन सी यूर थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया बट दैट्स कंप्लीटली ओके आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट अंडर माई आईज पोस्ट मेकअप भी आपको ये करना बहुत अनिवार्य है तो वट एवर ट्रीटमेंट यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट डेफिनेटली आफ्टर योर मेकअप रिमूवल इससे क्या होता है ना स्किन को और ज़्यादा जो है हील uh, होने में मदद पड़ती है एंड इट्स इज रियली वेरी गुड वेरी वेरी बाकी good. जो बच्चा है उसे अपने पे पे स्किन पे लगा लेती एंड नाउ गो टू द नेक्स्ट इज माय ऑल टाइम फेवरेट विटामिन सी मैं यू ये क्यों लगाती हूँ आफ्टर मेकअप मेकअप स्किन केयर में मैं ये क्यों लगाना चाहती हूँ और आपको भी सजेस्ट करती हूँ लगाने के लिए द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो भी अगर आपके चेहरे पर एक्नेस है या ब्लेमिशेज है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर अन स्किन टोन है ये उसे उस वक्त भी क्लीन करेगा और बहुत ज्यादा आपके चेहरे को और ज्यादा पैंपर्ट

विंटर में भी आप जेलबेज यूज़ करो फॉर ऑयली स्किन इट्स वेरी मच ओके एंड नॉर्मल एंड स्टिल गाइज इफ यू फील किए जेलबेज मॉइस्चराइजर इज़ नॉट प्रोमिनेंट फॉर योर स्किन टाइप योर ऑयली स्किन टाइप और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप इवन ड्यूरिंग द हार्श विंटर टाइम तो आई एम वेल टू कम अप विद अना द वीडियो फॉर डैट जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि तो फिर आपको जेलबेज के अलावा और ऐसा वो कौन सा बढ़िया और बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आप जेल बेस्ड को स्विच करके उसको लगा सकते हो ताकि आपका चेहरा जो है ना विंटर्स टाइम पे भी बिल्कुल मस्त में मॉइस्चराइज रहे अप रहे और बिल्कुल मस्त मस्त सा यू नो प्लम्पी प्लम्पी रहे एंड बिल्कुल भी डिहाइड्रेटेड ना हो आपका स्किन सो स्टेड्यूड फॉर दैट वीडियो जिसमें मैं कुछ प्रोडक्ट का नॉलेज उसमें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ एंड सी गिविंग इट अ वेरी नाइस मसाज ऑल अक्रॉस माई स्किन ये कुछ ऐसे मसाजिंग स्टेप्स है जो आपको मॉइस्चराइजर लगाते वक्त हमेशा देना चाहिए इस बारे ना आपका स्पेशल मसाजिंग या स्ट्रोक्स आप अपने चेहरे को देते हो जिससे दे कि आपका चेहरा जो है और ज़्यादा प्लामडअप हो जाता है कैसे आपके स्किन में जो सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं और उसकी वजह से आपके जो स्किन है ना उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होने लगता है ब्लड भी फ्लो अच्छे से होने लगता है जैसे स्किन में जो है और ग्लोइनेस आ जाती है सो दैट्स इट दिस इज डन एंड बिफोर एंडिंग अप दिस वीडियो नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इन दिस इज यूजिंग द द लिप बाम बामकोर्स वी कैन नॉट मिस द लिप्स गाइज वी कैन जस्ट नॉट मिस द लिप्स आई एम गोइंग टू यूज माई लैकमे का माई फेवरेट लिप लव ये मैं घर पे भी यूज करती हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छा है घर पे क्या बाहर भी अच्छा गो विद नॉर्मल वैसलिन और द नॉर्मल अदर यू नो लिप बाम्स विच ड नी टेंट तो उसको लगाने से फ़ायदा तो होता है बट समाइम्स ये लिप्स लुक्स वेरी न्यूड एंड मैं स्पेशली ना मुझे लिप्स थोड़े टेंटेड अच्छे लगते हैं बट यू नो घर पर लिपस्टिक लगा कर रखना अच्छा भी नहीं लगता सो इन दैट केस दीज आर द सेवियर्स सो येस दैट इज द रीज़न वाई आई लव दिस एंड ना ये प्रोडक्ट इज रियली अमेजिंग बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सो थैंक यू लैक मी i'm gonna apply some this is not a uh, lipstick so do not get confused with this ki, bhai, ye lipstick, laga and all that uh, thing so this is not a lipstick at all guys this is a purely uh, lip balm which is tinted and so this is good this is uh, in the shade raspberry. i have two of these one is berry mint which is a bit minty one and a uh, बिट डार्कर लिड बिड ऑन ए पिंकर शेड एंड दिस वन इज रासबेरी सो ये थोड़ा सा रेडिश एंड ऑरेंज का मिक्सर शेड है एंड वैट दिस मेकअप इज ऑल्सो डांस सो इन टूडेज वीडियो यू सॉ कि हमने किस तरीके से अपने मेकअप को रिमूव किया कौन कौन से प्रोडक्ट के थ्रू रिमूव किया मैंने आपको कुछ टिप्स भी बताया ट्रिक्स भी बताया जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स एज पर योर डिफरेंट स्किन टाइप्स आपको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए भले आपका वेदर चेंज हो क्लाइमेट चेंज हो बट आपका चेहरे का कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए आपका चेहरा जो है बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए और हमेशा प्लम टप लो ही रहना चाहिए इन ऑल सीजन एंड दिस इज मी शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो हैव अ ब्यूटीफुल डेट गैक्स एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे वीडियो को भी लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू मिस out any of my videos related to makeup, skincare and fashions. So very soon I'll be coming up with many such more interesting videos as well. So tune and keep watching my channel and supporting me. Love you all guys. Bye bye. Love you. Mwah.